नमस्कार दोस्तों, मैं शिखर प्रजापति, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर। दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे मोटिवेशन चैनल शिखर प्रजापति। फ्रेंड्स, अगर आप जीवन में खुश होना चाहते हैं, अगर आप हैप्पी लाइफ चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आपको अपनी जिंदगी से नेगेटिविटी को हटाना होगा, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपको जिंदगी में कुछ आपको लोग ऐसे जरूर मिलेंगे जो लगातार 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 हर व्यक्ति और हर कंडीशन में वो लगातार नेगेटिव देखते हैं। एक बार एक डॉग एक डिपार्टमेंट स्टोर में शॉपिंग कर रहा था, वहीं पर एक व्यक्ति भी शॉपिंग कर रहे थे। उस व्यक्ति की ट्रॉली उस डॉग की ट्रॉली से टकरा जाती है और वो देखते हैं कि शॉपिंग डॉग कर रहा है जिसके साथ कोई भी नहीं है। उन्होंने देखा कि डॉग अपने सब जरूरी सामान उस ट्रॉली में रख रहा है और ट्रॉली में रखने के बाद जब अपने पूरे सामान ले लेता है तो कैशियर के पास पहुंचता है पेमेंट देने के लिए और कैशियर को पेमेंट करता है। कैशियर उसको पेमेंट कुछ कम देते हैं तो डॉग उन पर भौंकने लगता है और कैशियर से पूरा पेमेंट ही लेके जाता है। वो व्यक्ति इस बात को नोटिस कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कितना इंटेलिजेंट डॉग है, चलो मैं देखता हूं कि कहां पर जाता है, इसका मालिक कौन है, इसका ओनर कौन है। वो उस डॉग का पीछा करते हैं, डॉग आगे आगे, वो व्यक्ति पीछे पीछे, डॉग आगे आगे, वो पीछे पीछे। डॉग एक बस स्टैंड पे जाकर रुकता है। दो तीन चार बसेस निकलने के बाद वो एक बस को पकड़ता है, एक बस में बैठता है और उस डॉग के साथ साथ वो व्यक्ति भी बैठ जाता है। कुछ स्टॉपेज आने के बाद वो डॉग एक स्टॉपेज पे नीचे उतरता है और थोड़ा आगे जाने पर एक गली आती है, गली में एक फ्लैट पे वो रुकता है। बेल बजाता है, गेट नहीं खुलता, फिर बेल बजाता है, फिर गेट नहीं खुलता, फिर बेल बजाता है, फिर गेट खुलता है और सामने वाला व्यक्ति जो गेट खोलता है बहुत ही गुस्से में डॉग को बहुत कुछ बोलता है और साथ में उसकी पिटाई कर देता है। वो व्यक्ति जो डिपार्टमेंट स्टोर से डॉग का पीछा कर रहा होता है, वो उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसने गेट अभी अभी ओपन करा है कि अरे वाह, आपका डॉग तो इतना इंटेलिजेंट है, इतना समझदार है, आपके लिए इतनी सारी शॉपिंग करके लाया और आप इसकी क्यों पिटाई कर रहे हैं, आप क्यों उस पर इतना गुस्सा कर रहे हैं। वो व्यक्ति बोलता है, ये बुद्धिमान नहीं है, बहुत बड़ा बेवकूफ है, बहुत नालायक है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये एक बार फिर शॉपिंग करने तो चला गया लेकिन घर की चाबी घर पर ही छोड़ गया। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इतनी सारी पॉजिटिव क्वालिटीज होने के बाद भी वो व्यक्ति अपने डॉग में नेगेटिव देख रहा था। तो फ्रेंड्स, जिंदगी में भी आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो सामने वाले में हजारों चीजें पॉजिटिव होने पर भी वो एक चीज नेगेटिव को पकड़ लेंगे और जब आप किसी के अंदर नेगेटिव देखते हैं तो आपको नेगेटिव ही नेगेटिव दिखाई देता है और जब आप किसी के अंदर पॉजिटिव देखते हैं तो आपको पॉजिटिव ही पॉजिटिव दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लोगों से अच्छे रिलेशन बनाने, इफ यू रियली वॉन्ट टू मेक गुड रिलेशन विद द पीपल, यू हैव टू सी द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ द पीपल। आपको लोगों के पॉजिटिव पॉइंट्स देखने होंगे तभी आपके अच्छे रिलेशन फ्रेंड्स डेवलप होंगे। हमारी जिंदगी में कितने सारे लोगों ने तहे दिल से, जी जान से हमारी हेल्प करी, हमारे प्यार किया, हमें मोहब्बत करी, लगातार हमें सपोर्ट करा, फिर भी फ्रेंड्स हम लोगों उनके सपोर्ट को भूल जाते हैं और उन्होंने अगर कुछ गलती कर दी तो हम उस चीज को जिंदगी भर याद रखते हैं। तो फ्रेंड्स, छोटी छोटी बातों को नेगलेक्ट करें, नेगेटिवनेस को नेगलेक्ट करें लाइफ से, पॉजिटिव को अप्लाई करें, लोगों में पॉजिटिव देखें फ्रेंड्स, तभी आपको लाइफ में खुशी मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, साथ ही शेयर करें। फ्रेंड्स, हमारे इस मोटिवेशनल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे इसी तरह के मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोज लगातार 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 मिलते रहे।